और भाई लोग क्या चल रहा है? मेरा नाम मिनाल रिजवी है और इनका नाम मुनीब राणा. मुनीब, मैं इंस्टाग्राम पे कल परसों थोड़े दिन पहले ऑनलाइन आया ना और मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था. जिसमें बहुत सारे मैसेज आए हुए होते हैं ना, तो एक मैसेज आया हुआ था मिस्टर व्लॉग्स के चैनल के नाम से ना. आता है कि सर मैं भी जर्मनी में रहता हूँ और मैं आपका कंटेंट फॉलो करता हूँ और मैं भी व्लॉग करता हूँ और आपके साथ कोलैब करना है सर. मैं यूट्यूब खोला, मैंने वीडियोज़ देखना शुरू करी, ड्रोन शॉट्स भाई, स्टेबलाइज शॉट्स, गिम्बल, बंदे के पास पूरी इक्विपमेंट. मैं फ़ोन से व्लॉग करने वाला आदमी और बंदा बोल रहा है मुझे आपके साथ काम करना है. मैंने ना इतनी इज्जत तो मेरे घर वाले मुझे नहीं देते जितनी ये बंदा दे रहा है. इक्विपमेंट सारी है, टैलेंट यहाँ बैठे. आपको पता है मिनाल भाई टैलेंट का फैन है, इक्विपमेंट वहाँ जाओ. मगर चलो बंदा मुझे आके कहता है कि सर फिर कोलैब करते हैं. मैंने बोला क्यों नहीं, वाई नॉट. बर्लिन आए हम, बर्लिन में मैंने खूब सारी इनके साथ व्लॉगिंग करी. पहली दफ़ा इतना अच्छा लगा क्योंकि शायद ये मेरा पहला व्लॉगर दोस्त है, पहला, वेरी फर्स्ट. उसके बाद आया अब मुनीब. इनका चैनल है, बताएं, मुनीब राणा, डिस्क्रिप्शन में तो मुनीब राणा इनका चैनल है, स्क्रीन पे भी होएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होएगा. गो फॉलो हिज कंटेंट और देखो बहुत टाइट है. बाकी शहर घूमता है जर्मनी के हैमबर्ग साइड और काफ़ी वो भी जिन लोगों को शौक है देखें. मेरे चैनल का मेन कॉन्टेंट है मुनीब. जो लोग मेरा यूट्यूब फैमिली है वो मेरे देखती है कि उन्हें जर्मनी आना है, यहाँ के स्ट्रगल्स कैसे आना है, क्या करने आना है और यहाँ आने के बाद का प्लान क्या होना है. आप बताएं क्या पढ़ा है आपने और आप कैसे आए जर्मनी, अपनी स्टोरी सुना. बेसिकली मैंने नर्स से केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, नर्स इस्लामाबाद, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है. शायद जो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगी उन्हें तो पता होगा. वहाँ से मैंने मास्टर्स में अप्लाई किया, यहाँ पे एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. एमएस मेरा कंप्लीट हो चुका है, एक साल हो गया है. अब एज अ फ्यूल सेल इंजीनियर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ. बहुत इनसेन सीन है. तो देखा आपने, ये बंदा पाकिस्तान से आया फ्यूल सेल इंजीनियर, इनसेन जॉब करता है, एक बहुत बड़ी फ्यूल सेल इंजीनियर. मुझे पता भी नहीं था ये परसों से पहले होती है ऐसी कोई चीज़, और इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, बिलीव मी. अगर आप लोग करना चाहते हैं ना तो इक्विपमेंट देख ले बंदे की, इक्विपमेंट से अंदाज़ा है. फुल मैं फ्लैट हूँ बंदे पे और बहुत अच्छा बंदा है. खैर तो भाई ये थे मुनीब और इनके साथ मैंने पूरा दिन और ये पूरा वीकेंड बर्लिन ट्रैवल करा है. तो देखें कैसे करा है. देखें पढ़े लिखे नहीं है मगर ऐसे ही जाके वहाँ भी मस्ती करनी है. आर्ट यूनिवर्सिटी है और काफी फेमस यूनिवर्सिटी है. तो फिर मैं हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी आ गई. यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स है, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है मगर आर्ट्स की, बर्लिन में. बस इस यूनिवर्सिटी की तरह ही भाई का एक दिन घर होएगा. वो गैलरी से ना आएगी भाई के सपनों की रानी, ऐसे बोलेगी हाँ भाई जल्दी आप ऑफिस आज ना, घर जल्दी आ जाइएगा, खाने में कुछ स्पेशल बनाऊंगी. अच्छा ना मैं बहुत सिंपल टाइप का आदमी हूँ, मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ. और इन लोगों ने एक फ़ीमेल डिपार्टमेंट बनाया हुआ है अपनी यूनिवर्सिटी में, जहाँ सारी औरतें, जिन्होंने, आई रिस्पेक्ट दोज वुमेन जो अपना
पाकिस्तान वाले भी, एंड आई रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स जो इतनी मुश्किल से अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं अपने दिल पे पत्थर रख के। तो वही औरतें फिर अपनी ज़िंदगी में वंडर्स करती हैं। अगर आप अपनी बच्चों पे ट्रस्ट करते हो और आपके बच्चे असली में अपना पैशन शो करते हैं तो वो वंडर्स करते हैं एक दिन, वंडर्स। बर्लिन सिटी ऑफ ड्रीम्स है। मैं जब छोटा था ना तो मेरे ड्रीम कंट्री, सबका ड्रीम कंट्री होता है ना कि यार इस मुल्क जाएंगे, मेरा जर्मनी था। आज मैं बर्लिन में हूँ, पता है यूरोप में सबसे ज़्यादा डिस्को इस शहर में, नॉट दैट आई गो टू डिस्कोस बट सबसे ज़्यादा पार्टी सिटी। तब से नाचते फिर रहे हैं सड़कों में भी है ना, डिस्को सुबह से नाचते फिर रहे हैं सड़कों में, कमरे में बैठ के बनाता ना, बोलते मैंने भी क्या कमरे में बैठे रहते हैं, बाहर निकले। नहीं नहीं अब तो ऐसे ही निकले, कोई अंदर आ ही नहीं रहते बट सीन है। दूसरे में शटर स्पीड के जो शशके थे यार, अब देख अब लोग इनका फॉलो कर, मेरा छोड़ देना इनका देख लेना। चलो भाई आज के लिए इतना ही फिर मेरे हिसाब से, तो फिर कल मिलते हैं ना। ये मैंने भी बोलना है, बड़ा मजे का लगता है। चलो भाई ये मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ ना ऐसे, कल मिलते हैं ना, मेरा स्वैग नहीं अमनाल भाई आप फिर आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं ना, पीस आउट। लाइफ में चाहिए इज्जत, और इज्जत कैसे मिलेगी, इज्जत कैसे मिलेगी इस गाड़ी से। देखा ना ये तोड़ के भागते हैं।